गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर्स। फर्स्ट पॉइंट इज 1/2। इफ वी डिवाइड वन होल इन टू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज नोन एज हाफ, हाफ इज रिटन एज 1/2। अगर हम वन होल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो उसका हर एक पार्ट हाफ होता है, हाफ इज रिटन एज 1/2। और फ्रैक्शन फॉर्म में हम हाफ को 1/2 लिखते हैं। देयर आर टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज शेडेड एंड एन अदर पार्ट इज अनशेडेड। यहाँ पर स्क्वायर होल के टू इक्वल पार्ट्स किए गए हैं जिसमें से वन पार्ट शेडेड है एंड सेकेंड पार्ट अनशेडेड है। शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1/2 एंड अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू 1/2। दोनों पार्ट्स हाफ है इसलिए हमने हाफ के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में इन्हें 1/2 लिखा है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज 1/3। अब हम 1/3 के बारे में जानने वाले हैं। इफ वी डिवाइड अ वन होल इन थ्री इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज नोन एज 1/3। 1/3 इज रिटन एज 1/3। देयर 1/3 मेक अ होल। अगर हम वन होल को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक पार्ट 1/3 होता है। 1/3 इज रिटन एज 1/3 और फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3 को 1/3 लिखते हैं और ये 1/3 मिलकर एक होल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर वन होल है जिसे थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, बराबर हैं। ओके, इसका हर एक पार्ट 1/3 है, 1/3 है। सेकेंड है रेक्टेंगल होल, इन्हें इसे भी हमने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3 वन पार्ट शेडेड है एंड टू पार्ट्स अनशेडेड है। टू अनशेडेड पार्ट्स के लिए हमने लिखा है 2/3 पार्ट्स इज अनशेडेड। तो इन्हीं बेसिस पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज शेड 1/2 ऑफ फॉलोइंग फिगर्स विद डिफरेंट कलर। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर जो शेप्स बनी हुई हैं, फिगर्स बनी हुई हैं, उनमें से हमें 1/2 को, हाफ पार्ट को कलर डिफरेंट कलर से, अलग अलग कलर से कलर करना है। तो यहाँ पर हमने पेंसिल की यूज़ से हाफ पार्ट को शेड कर रखा है, बट आपको अलग अलग कलर्स से इन्हें कलर करना है, हाफ पार्ट को। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज कलर 1/3 ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर हमें 1/3 पार्ट को कलर करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, 1, 2, 3 इसके 1/3 पार्ट को हमें कलर करना है, बट यहाँ पर हमने पेंसिल की उससे शेड कर रखा है, आप कलर करेंगे 1/3 पार्ट को। तो इसी तरह ये वर्क आप अपनी मैथ्स बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।